नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने इस कार्यकाल का आखिरी यानी 10वां बजट पेश किया, जिसके बाद से चर्चा हो रही है कि आखिरकार दिल्ली के इस बजट में क्या कुछ खासियत है और दिल्ली वालों को केजरीवाल सरकार ने क्या कुछ सौगात दी है। तो चलिए, हमारी इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए कितने रुपयों का आवंटन किया है और इस बजट में आखिर क्या कुछ खासियत है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए वित्त मंत्री आतिशी ने 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट को राम राज्य नाम दिया गया। इसमें शिक्षा बजट पर 16,396 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य बजट के लिए 8,685 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जिसमें पिछली बार के मुकाबले 10.84% की कटौती की गई। इसके साथ ही मोहल्ला क्लिनिक्स के लिए 2,212 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, तो ऊर्जा के लिए 3,354 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। इसके साथ ही जल बोर्ड को 7,195 करोड़ रुपए केजरीवाल सरकार की तरफ से इस वित्त वर्ष के लिए दिए गए, तो वहीं परिवहन के लिए 5,702 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। बात अगर इलेक्ट्रिक बसों की जाए तो इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 510 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट इस बार के बजट में आवंटित किया गया। वहीं मेट्रो फेज 4 के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके साथ ही विधि और न्याय विभाग को 3,098 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग को 9,800 करोड़ रुपए, जिसमें से 1,668 करोड़ रुपए फ्लाईओवर और सड़क के लिए आवंटित किए गए। इसके साथ ही कच्ची कॉलोनियों की मरम्मत के लिए 902 करोड़ रुपए का आवंटन इस बार के बजट में किया गया। इसके साथ ही विधायक फंड के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान केजरीवाल सरकार द्वारा किया गया है। गांव की बात की जाए तो दिल्ली के गांवों को इस बार 900 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग को 6,216 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इस बजट की खासियत रही मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, इसके लिए 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो हमने आपको बताया कि आखिरकार केजरीवाल सरकार के इस बजट में कौन से सेक्टर में कितना खर्च केजरीवाल सरकार इस फाइनेंशियल ईयर में करने वाली है। लेकिन अब आपके लिए जानना ये जरूरी है कि आपके काम की खबर इसमें क्या है, यानी आपके लिए इस बजट में क्या कुछ खास होने वाला है। तो आपको बता दें कि दिल्ली वालों के लिए बजट की खासियत है कि 200 यूनिट फ्री बिजली मिलती रहेगी, 20,000 लीटर मुफ्त पानी भी मिलता रहेगा। 18 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सरकार मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लाई है, जिसके तहत उन्हें हर महीने 1,000 रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। सरकार ने इस योजना के लिए कुछ शर्तें भी लगाई है। महिलाओं का बस में सफर पहले की तरह मुफ्त रहेगा और बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा भी चलती रहेगी। तो केजरीवाल सरकार ने तो दिल्ली वालों को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आवंटित कर दिया है और महिलाओं के लिए एक खास स्कीम भी इस बार लॉन्च की गई है। लेकिन देखना होगा कि सदन पटल पर जो वादे दिल्ली वालों से किए गए हैं वो धरातल पर कब पूरे होते हैं। बहरहाल, हमारी इस खबर में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली बजट 2024-25 पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।